फ्रांस से खरीदे गए राफेल विमान पर विजय मानकर ने कहा, सुरक्षा के लिहाज से जरूरी लेकिन कीमत के लिहाज से बिल्कुल ठीक नहीं है राफेल। इससे एडवांस विमान तो चाइना का J-20 है जिसकी कीमत $110 मिलियन है। फ्रांस से खरीदे गए 5 राफेल विमान भारत पहुंच गए हैं। चीन के साथ जारी तनाव के बीच राफेल के भारतीय वायुसेना में शामिल होने को गेम चेंजर बताया जा रहा है। हालांकि चीन की वायु शक्ति को कम करके नहीं आंका जा सकता है। मानवतावादी मीडिया से चर्चा करते हुए विजय मानकर ने कहा है कि भारत के एयर स्पेस और सुरक्षा के लिए यह जरूरी है, लेकिन यह विमान पाकिस्तान के J-17 Block 3 के मुकाबले अधिक एडवांटेज वाला नहीं है। इसे उसी के समतुल्य माना जा सकता है। यदि हम चाइना की बात करें तो उसके पास 5th जनरेशन का J-20 लड़ाकू विमान है जो बहुत ज़्यादा एडवांस है। किसी भी प्लेन में स्ट्रेंथ टेक्नोलॉजी अच्छी हो, इलेक्ट्रिक मैग्नो स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के प्रावधान ज़्यादा अच्छे हो और सुपर स्क्रू क्रूजिंग एलिमेंट्स अगर अच्छे हो तो उसे ज़्यादा सुपीरियर माना जाता है। उन्होंने कहा है कि इस लिहाज से राफेल J-20 से काफ़ी पीछे है। उस हिसाब से यदि हम इनकी कीमतों का आकलन करते हैं तो राफेल अधिक महंगा है। J-17 Block 3 की बात करें तो यह $30 से $35 मिलियन का है, जबकि चाइना का J-20 विमान जो राफेल से एडवांस है की कीमत करीब $110 मिलियन है। वही यदि हम राफेल की कीमत को डॉलर्स में बदलते हैं तो उसकी कीमत करीब $230 से $235 मिलियन है। इस लिहाज से मुझे लगता है कि पैसे के लिहाज से यह कॉस्ट बेसिस एनालिसिस का सौदा नहीं है, लेकिन भारत की सुरक्षा को लेकर यह आए है तो बहुत ज़रूरी था, लेकिन कीमत को देखते हुए इंडिजिनस प्रोडक्शन करना बहुत ज़रूरी है। सर, अभी राफेल आया है तो चीन और पाकिस्तान और भारत को लेकर इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, राफेल आया ये भारत के एयर स्पेस के लिए जो सुरक्षा के लिए काफ़ी अच्छा हुआ, लेकिन पाकिस्तान का जो J-17 Block 3 है ये उसी का 4th जनरेशन का राफेल जो है वो प्लेन है, तो बहुत ज़्यादा कटिंग एज राफेल को जो J-17 Block 3 है उससे जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांटेज नहीं है। और चाइना की यदि बात करें तो चाइना के पास J-20 जो 5th जनरेशन का प्लेन है वो बहुत ज़्यादा एडवांस है, और किसी भी प्लेन में जो है वो यदि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी अच्छी हो और अगर इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम उसमें हो, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के प्रोविजन ज़्यादा अच्छे हो और सुपर क्रूजिंग एलिमेंट्स उसके अगर अच्छे हो उस प्लेन के, तो वो ज़्यादा सुपीरियर माना जाता है। यानी शॉर्ट में यदि मैं कहूँ तो कोई प्लेन जो है वो अपने सीमा में रह के या दुश्मन की सीमा में जाके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कितना अच्छा कर सकता है, रडार से कैसे बच सकता है, रडार्स को कन्फ्यूज़ कैसे कर सकता है, सैटेलाइट से और ग्राउंड कम्युनिकेशन से लिंक कैसे रह सकता है बगैर साइबर अटैक के, और कितने दूर तक वो मिसाइल रेंज को जो है बियॉन्ड विजुअल रेंज जिसको कहते हैं वो मार कर सकता है, ये उसकी कैपेबिलिटीज़ होती है। उन कैपेबिलिटीज़ को यदि देखा जाए तो J-20 से राफेल पीछे है और J-17 Block 3 के मुकाबले में लगभग दोनों जो है वो एक जैसे ही प्लेन्स है। उस लिहाज से प्राइस राफेल का बहुत ज़्यादा है, क्योंकि $30-35 मिलियन जो है वो J-17 जो है ब्लॉक 3 है, और J-20 जो चाइना का जो 5th जनरेशन जो इससे आगे का प्लेन है वो लगभग $110 मिलियन में है, और अगर डॉलर्स में यदि हम कन्वर्ट करें तो राफेल की जो कीमत है वो लगभग $230-235 मिलियन होती है। तो मुझे लगता है कि पैसे के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का जो है वो सौदा नहीं है, लेकिन भारत की सुरक्षा के लिए अभी आए हैं तो ठीक है, वो ज़रूरी था, लेकिन प्राइस को लेकर इंडिजिनियस प्रोडक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और केवल राफेल आ गया इसलिए जो एरोस्पेस सुपीरियरिटी आ गई ऐसा नहीं है, क्योंकि एरोस्पेस में सैटेलाइट का भी बहुत बड़ा रोल है आजकल जो स्पेस वॉरफेयर का जो है, फिर जो बाइकर साइबर सिक्योरिटी के बहुत सारे इश्यूज़ है, और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में अगर ग्राउंड फोर्सेस के पास में अगर वो बहुत ज़्यादा है तो आपका प्लेन कितना भी अच्छा हो तो उसको कन्फ्यूज़ किया जा सकता है, उसके इंजिन्स को और उसके एवियोनिक्स को फेल किया जा सकता है, उसके वेपनरी को फेल किया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि 6 डोमेन्स ऑफ वॉर जब तक कंप्लीट नहीं होंगे तब तक जो है केवल राफेल आने से सुपीरियरिटी गेन नहीं होगी, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से भी ज़रूरी था तो टेम्पररीली ठीक है, लेकिन प्राइस के लिहाज से ठीक नहीं है।